तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 6 PM और आप सभी लोगों को 23वां रमज़ान मुबारक। तो आज 23 से इफ्तारी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि इफ्तारी में क्या क्या हो रहा है। और चलो मुझे करनी है शुरुआत, चलो इफ्तारी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हो रही है चिकन बिरयानी की तैयारी और यहाँ पर हो रही है प्याज फ्राई और मम्मा यहाँ पर बना रही है चटनी। चटनी है ना, और बिरयानी में डालने के लिए ये है टमाटो प्यूरी, ये बन रही है। लहसुन वगैरह भी डाल रखा है और मम्मा इसे करेंगे ग्राइंड और हम भी देखते हैं हमें क्या करना है। ये ले लिया मैंने आलू प्याज, अब मैं इनको फटाफट से छील लेती हूँ क्योंकि आज बनेंगे मेरे स्टाइल में पकौड़ी थोड़ी सी। छील तो लिए, फटाफट से इन्हें चॉप करते हैं। मैंने अभी इनका पानी तो निकाल दिया, बस इसमें मसाले डालने रह रहे हैं। और जी यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई है। और ये क्या है, ठीक है, तैयार हो गया। इसके अंदर अखनी तैयार हो गई है। चावल साफ करके दो थे? हाँ, जब भी गोए थे, जब भी एक और बार वॉश कर लेना, पर ठीक है। तो फटाफट से इस तरबूज को काटते हैं। तो अभी मैंने इन्हें भी कट कर दिया, ये भी बड़े तरीके से कट हो गए। और अब इसे और इसे रखते हैं फ्रिज में, ठंडे हो जाएंगे ना थोड़े। मम्मा ने डाल दिया है इसमें विनेगर। और मम्मा हो गया सब कुछ, बस अब कितनी सीटी आएंगी इसमें। तो मम्मा ने यहाँ पकौड़ियाँ भी तैयार कर ली हैं। तो अभी तो यहाँ पे सारा सामान रख दिया है मैंने। कांच लगी हो मामा, बुला लो। तो गाइस खाना तो बढ़िया हो रहा, मिर्ची नहीं है बिल्कुल भी। चटनी डाल के भी खाओ थोड़ी थोड़ी, तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा लाइट खाना खा सकते हो, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं करते। अगर थोड़ी सी तैयारी कर लो और थोड़ा सा उसके बाद खाना खा लो, तो फिर हम और क्या ही कर सकते हैं। मतलब कि नमाज के बाद फिर मन नहीं करता खाना खाने, बस खाना तो खा लिया, नमाज पढ़ने जा रही। जब हम लाइट लगाई जब वीडियो में आ जाएगा। नमाज तो पढ़ ली है, वहां की सफाई करते हैं। सफाई तो कर दी है सारी, अभी थोड़ी देर आराम कर रहे हैं बस सब लेट के। और ये रहा कभी, क्या हुआ कभी? कुछ नहीं हुआ, तो भी देखते हैं फिर और क्या क्या होगा। ये तो रिकॉर्ड दो। और कौन? अब मम्मा
कोरमा करेंगे। इनको फ्राई तो सबसे पहले लिया घी और घी इसमें डाल दिया कर रहा है। मुझे तो ये कच्चे ही अच्छे लगते हैं, नॉर्मल ऐसे ही बिना भूने। आधे कर लो ना, थोड़े से करो, ज्यादा नहीं। ये बदतमीजी है, देख सारे गिर गए उस बर्तन के अंदर पलटने के चक्कर में। तो यहाँ पे तो मैंने कर दी काजू फ्राई और ये हो रही है किशमिश। ये फूल गई, मैं तो फूल गई। ओ भाई देखना मम्मा, तुमने ज्यादा कर ली शायद। जो टेडी बनाते हैं ना वो नहीं फूलती। तो वो सारे सामान एक साथ डालते हैं और इन्होंने अलग अलग करे। किशमिश क्या होती है? किशमिश एक प्रजाति का सड़ा हुआ अंगूर है। जैसे कबीर है, कबीर को सड़ा हुआ है, कबीर तो बहुत अच्छा है। अंगूर, अंगूर बोला मैंने, सड़ा हुआ थोड़ा। मम्मा झूठ बोल रही हो, समझ गई मैं। और ये कुछ ऐसी हो गई और ये बोल रहा है हैप्पी बर्थडे, पागल हो गया। और यहाँ पे डाल दिए मखाने, इनफ। वेयर इज चाट मसाला मम्मा? चाट मसाला कितने है? मेरा भी नहीं है कबीर, अभी तो मेरा बहुत टाइम बाद है। सारे डाल दिए, घी ज़्यादा हो गया। बस मम्मा वो फिर जल जाएंगे। जो ये फूल ली थी ना अभी ऐसी हो गई कुछ, फिर वापस अपने शेप में आ रही है। धीरे धीरे थोड़ी देर में हो जाएंगी फिर नॉर्मल। तो इतनी जवान क्यों चलती है? अब हम बताएंगे अपनी रेसिपी। फ्राई करने के बाद डाल दिए सारी चीज, और डालने के बाद क्या करना है ना, ओनली मिक्स 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 करते रहो। और अभी निकालेंगे अपनी नई चीज। ये निकाल लिया चाट मसाला, और चाट मसाला इसके अंदर तक लिए चाट मसाला डालना पड़ता है। गरम है कभी तो इसको। तो ये हो गए हमारे तैयार। और कबीर ने घूर घूर के क्यों देख रहा है? कबीर गरम हो रहा है, कबीर के लग गया था अभी हाथ पे। कबीर चटोरा। तो डैडी ने डाल दिया इसमें और चाट मसाला। कबीर क्यों फेंक रहा है तू? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, बार बार फेंक रहा है। तो खाना तुझे खाने के लिए तो इड्डा मना कर रहा कोई? डैडी इतना मत डालो ज्यादा हो जाएगा। कैसे खा रहा है कबीर? खा पी के अलग कर। हैंग हो गया, छिल रहे हैं वो, इसलिए छिल रहे होंगे ना, मसाला चाट लिया तूने। तो अरे भाईजन के लिए, भाईजन ब्रो ब्रो ब्रो। तो ये है हमारे घर के जो जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं है पर मैं ही पढ़ती हूँ, पर ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो ये एक तरह के मोटिवेशनल स्पीकर। ये पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल अपनी फुल फॉर्म में आके। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो अभी और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।